Good morning, guys. This is our first morning in Fairy Meadows, and we slept really well. रात में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बट ये कि हमने बॉनफायर किया और वी इन्जॉयड अ लिटिल बिट ऑफ सॉन्ग्स एंड देन वी स्लेप्ट. और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, हम जागे हैं और रूम से बाहर का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. मैंने सोचा कि मैं रेडी होने से पहले आपको भी दिखाऊँ कि यहाँ से जो व्यू है वो कैसा है. जस्ट हैव अ लुक. सो गाइस, दिस इज़ द ब्यूटिफुल व्यू और सामने जो आपको नज़र आ रही है चोटी, दिस इज़ नांगा पर्वत. एक्सीलेंट व्यू, वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस. रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट और बस अभी नाश्ते का वेट कर रहे हैं. जब तक नाश्ता लगे तब तक हमने सोचा ज़रा हम चहलकदमी कर लें और जो व्यूज़ हैं उसे उन्हें इन्जॉय कर लें. तो बस व्यूज़ इन्जॉय कर रहे हैं. हाय, ये जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, शदीद फास्ट ट्रैक करती है और माशाल्लाह से शी वाज अमेजिंग यस्टरडे. तो भाई अभी फ़िलहाल हमने अपने जॉगर्स नहीं पहने, चप्पलों में ही हम आ गए नाश्ता करने. और ये जो है कुछ व्यूज़ हैं सामने के. और ये जो जगह है जहाँ से थोड़ा सा धुआं धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने रात में किया था बॉनफायर. Hi guys. So finally हम तैयार हो गए हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज काफ़ी ज़्यादा जज्बात से तैयार हुए और अब हम जा रहे हैं बयाल कैंप. वहाँ पर हम जाएंगे ट्रैक करते हुए, फिर वहाँ से आगे जाएंगे व्यू पॉइंट एंड देन बेस कैंप. सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग ट्रैक बट अ वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड वन. सो यप, बाकी लोग हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं. ये लोग वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और ये हसीन मनाजिर हैं यहाँ के. हमने कहाँ से जाना है पता नहीं, ये तो भाग गया खुद. हमारे वहाँ आने का रास्ता क्या है? कहाँ से? नीचे से ना. ओके, अच्छा हमने यहाँ से जाना है. लेट्स गो. फॉरेस्ट देखें आप गाइस, बिल्कुल फिट लग रहा है माशाल्लाह से. यस, हमारे साथ ही अंकल आए हैं एंड माशाल्लाह से ही सो एक्टिव. ही इज़ अराउंड 70 बट वेरी एक्टिव एंड वेरी लाइवली पर्सन. सो राइट नाउ वी आर ऑन द वे टू बयाल कैंप और जो ट्रैक है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है. दिस इज़ द ट्रैक. So this is the track and this is the view. तो गाइस काफ़ी थक चुके हैं और हमने सोचा कि बैठ के थोड़ा सा आराम कर लिया जाए. यहाँ बैठ के जी मैं आराम कर रही हूँ
खूबसूरत तरीन मनाजिर के साथ। हर तरफ खूबसूरत दरख्त, बहती हुई स्ट्रीम्स और साथ माउंटेन्स का व्यू निहायत खूबसूरत। जगह की खूबसूरती जो है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत, आउट ऑफ द वर्ड्स। अभी बस थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और वहाँ पर हम पियेंगे चाय और करेंगे व्यू को एंजॉय। गाइस, वी हैव रीच्ड टू बयाल कैंप एंड फॉर मी दिस इज इट। आई एम नॉट गोना गो एनी फर्दर। मैं व्यू पॉइंट तक और बेस कैंप तक नहीं जा रही बिकॉज आई एम रियली टायर्ड, आई एम रियली एग्जॉस्टेड बिकॉज डेफिनेटली आई एम नॉट You know, pro of hiking. अच्छा जी, तो यहाँ से हम ट्रैक करते हुए आए हैं और ये इस वक्त यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने का जो मंज़र है वो कुछ यूँ है। यू कैन सी के ऑटम के कुछ असरात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन चीज़ है वो ये है सामने, बिल्कुल हमारे सामने नांगा पर्वत। क्लाउडी वेदर है इसलिए बिल्कुल हम उसकी पीक नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ से तो चलें जी, अब मैं वहाँ जाती हूँ बाकी लोगों के पास और वहाँ जाके हम बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। वी आर ओवर हियर, वेलकम टू होटल बयाल कैंप। सो गाइज, वी आर ओवर हेयर और चाय हमारी आ चुकी है। नांगा पर्वत के व्यू के साथ हम अब इन्जॉय करेंगे चाय, चाय और व्यू और हम, और ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से चाय इन्जॉय करते हुए रमशा। अभी यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और आपको क्या नज़र आ रही है, पता नहीं आपको नज़र आ रही होगी या नहीं, लेकिन हमें नज़र आ रही है। मैं आपको चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हो रही है बर्फ़बारी और मौसम एकदम से अनएक्सपेक्टेडली बर्फ़बारी हुई, हमें पता नहीं था कि बर्फ़बारी हो जाएगी। अभी धूप थी कुछ देर पहले, है ना, और अचानक से बर्फ़बारी हो गई। एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हम कराची वालों ने ज़िंदगी में कभी बर्फ़बारी नहीं देखी
तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है जिसे हम गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम भाग कर वापस आ गए। हम यहाँ कॉटेज में बैठे हुए चाय इन्जॉय कर रहे थे और साथ साथ मेरे जूते गीले हो गए थे जिसको मैंने सुखाने के लिए रखा हुआ था आग के पास। अब मैं वो गीला जूता पहन के आ गई हूँ क्योंकि बर्फबारी मिस नहीं कर सकती। आप ज़रा व्यू दिखाइए, आप ज़रा ये व्यू देखिए, एक्सट्रीमली अमेजिंग। हम अब बयाल कैंप से आगे व्यू पॉइंट के लिए ट्रैक करना स्टार्ट हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी, ये 100 गाइस जो हैं ये मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूवर्स। एनीवेज, सांस मुझे चढ़ा हुआ है लेकिन पहले मैंने सोचा कि यार नहीं जाते, आप लोगों को बताया भी था मैंने, लेकिन ऑनेस्टली जगह इतनी खूबसूरत है कि यार मैंने बोला हिम्मत कर ही लेते हैं, और फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई तो बस। ये मैंने किसी के ग्लव्स चुरा के पहने क्योंकि मेरे पास नहीं थे। यस, ज़बरदस्ती मांग के, यू कैन से। स्नोफॉल हो रही है और हम जी जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ। चलो चलो, लेट्स गो। अनएक्सपेक्टेडली ये जो स्नोफॉल हुई है ना, इसने तो भाई इस ट्रिप के चार चांद लगा दिए। दिस इज़ अमेजिंग एंड मैंने ऐसी खूबसूरती इससे पहले कभी भी विटनेस नहीं की है। ज़रूर आए यहाँ पर, स्पेसिफिकली इस मौसम में। इट्स द एंड ऑफ सितंबर एंड स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, ऑटम इज़ ऑलमोस्ट हेयर। ऑटम की जो ये खूबसूरती है, मुझे उससे वैसे ही बहुत ज़्यादा लगाव है। ये देखिए, एंड यू कैन सी द व्यू। स्नोफॉल हुई और रुक गई, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, और ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है, सांस चढ़ रहा है, लेकिन ये कि आई एम इन्जॉइंग। उसके पहाड़ों पे हमें मिली है एक फेरी, ये आप देख सकते हैं, और ये फेरी उड़ती भी है, अब ये आपको उड़ के दिखाएगी। ये देखें ज़रा, ये फेरी बहुत नुमाया नज़र आई है रात में भी, बॉनफायर के टाइम पे काफ़ी एक्टिव थी ये फेरी, और अभी भी काफ़ी नुमाया दिखाई दे रही है। और मैं इस स्टिक के सहारे चलती चली जा रही हूँ। सो व्यू, वो बहुत आगे तक जाना है, लेट्स गो, वी शुड नॉट स्टॉप, चलते रहना चाहिए। यस, सो गाइस, वी फाइनली रीच्ड दिस व्यू पॉइंट एंड आई मस्ट से दैट इट वाज वर्थ द एफर्ट एंड टाइम जो हम यहाँ पर आए, बिकॉज दिस व्यू इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको मैं दिखाती हूँ, दिस इज़ द होल व्यू। ऑब्वियसली वहाँ पर क्योंकि अभी स्नोफॉल हुई है सो वी कैन नॉट क्लियरली सी, बट यहाँ से सारा ग्लेशियर नज़र आ रहा है एंड यू कैन सी दोज हाई पीक्स
वर्थ कमिंग ओवर हियर, वर्थ द एफर्ट, वर्थ द टाइम. और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है. क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? इन्हें लग रही है बहुत शदीद सर्दी. आप क्या कहना चाहेंगे इस हसीन खूबसूरत मौके पर? कैंप कर ले, पर ख्वातीन है हमारे साथ, उन्हें जवाब जाना पड़ेगा. हाँ, इन्होंने हमें कल भी कैंप नहीं करने दिया और आज हम खुद नहीं करेंगे क्योंकि हमें सर्दी का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो चुका है. कैंप हम करेंगे गर्मियों गर्मियों में. और हाँ, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ जी. ओह माय गॉड, आपको मैं एक स्पेशल सेलिब्रिटी से मिलवाना चाहूँगी जो कि फेरी मेडोज में किस्मत से यहाँ मिले हैं और मशहूर हो चुके हैं. ही इज़ वेरी फेमस. मिलिए आप इनसे. तो दरअसल इन्होंने जो है ये जब से ये येलो जुबा पहना ये मशहूर हो चुके हैं और ये दूर से दिखाई देते हैं. कुछ कुछ लड़कियां तो डर भी गई, कुछ कुछ लड़कियां डर भी गई कि यार ये कौन सी बला यहाँ पे घूम रही है. एनीवेज, बड़ा मजा आया हमें इनकी ये एंटरटेनिंग कपड़े देखकर. काफी एंटरटेन हुए हम, लुत्फ अंदोज हुए. तो अब हम आपको लुत्फ अंदोज करते हैं यहाँ के व्यू दिखाकर. सो गाइज, हम अब जा रहे हैं वापस. वापसी का जो ट्रैक है वो ऑब्वियसली आसान होता है. इट्स ऑलमोस्ट 3:30, 3:30 हो रहे होंगे. और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया हमें और अब हम ट्रैक कर करके वापस जा रहे हैं. ये आप देखें किस खूबसूरती से हम गुज़रते हुए आए हैं और वापस गुज़रते हुए जा रहे हैं बयाल कैंप से कॉटेजेस तक वापसी का सफ़र. सो गाइज, फाइनली हम वापस अपने कॉटेज पहुंच चुके हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आया है. तो बस अब जाना है, चेंज करना है और खाना खाना है. Hi guys, so it's our second night in Fairy Meadows and right now we are having a really good and warm bonfire. Aur ab hum yahan par dekhenge kuch local dance and excited for that. So yep, aapko bhi dikhate hain. Main kaise bata do tujhe apne dil ke haal, main kaise bata do tujhe apne dil ke haal. Ek pal pe जुदाई का लगे दिन महीना साल, अल्लाह में जुदा न करे मेरा सवाल. एक पल पे जुदाई का लगे दिन महीना साल, अल्लाह में जुदा न करे मेरा सवाल. ए लाला 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 लाला
जन्नत में आने को हर किसी का मन करेगा इस जन्नत में आने को जी तो चाहता है सब कुछ इस पे लुटाने को कसम से कसम खा के कहता हूँ ये एक परिस्थान है फेरे में डोस तो अपने जाने है फेरे में डोस तो अपने जाने है So guys this is it if you like this video give it a thumbs up comment and share Also, don't forget to subscribe my channel. आपसे मुलाकात होगी मेरी अपने next vlog यानी के next destination हुंजा में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.